हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, जिसका आपको और मुझे सबको इंतज़ार था। वेबसोल एनर्जी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, आइए जानते हैं कैसे आए हैं। वेबसोल एनर्जी का जो रिज़ल्ट है वो ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो ख़राब आया है। 25 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है क्वार्टर फोर में, बट लॉस जनरेट किया है 58 करोड़ का। तो वेबसोल एनर्जी में जो ये लॉस दिख रहा है उसके बारे में कंपनी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है सेपरेटली, जिसको हमें जानना ज़रूरी है बिफोर वी जंप टू द कंक्लूजन। काफ़ी लोग इतना ही देखते हैं, अरे भाई रेवेन्यू कम हुआ है, लॉस हुआ है, बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन किया है कि कंपनी को इस क्वार्टर में 18 महीने से जो प्लांट बंद पड़ा था वो शुरू हुआ, और कंपनी को करीब करीब 40 से 45 डेज मिले प्रोडक्शन के, जिसमें कंपनी ने 25 करोड़ का रेवेन्यू निकाला है। कंपनी के पास पूरे साल की ऑर्डर बुक पेंडिंग है, पूरी ऑर्डर्स कंपनी की जो है बुक है, ये भी कंपनी ने बताया है। मतलब आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के जो रेवेन्यू है, फुल फैक्ट्री चलेगी तो अच्छे रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखेंगे और प्रॉफिट भी जनरेट होते हुए दिखेगा, ये भी कंपनी ने बताया है। कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी ने प्रोमोटर्स ने जो है कन्वर्टेबल वारंट्स में सब्सक्रिप्शन में पार्टिसिपेशन किया, फंड रेजिंग में 64 करोड़ कंपनी ने जो है रेज किए हैं, प्रोमोटर्स ने ही इसमें जो है वारंट खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 530 रुपीज़। तो आप बताइए, जब कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा तो कंपनी के प्रोमोटर 530 रुपये में खुद के कंपनी के शेयर क्यों खरीदेंगे। तो ये भी बड़ी बात है कि कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स ने ही 530 रुपीज़ से ख़रीदे, और कंपनी ने 64 करोड़ इस जो है कन्वर्टेबल वारंट्स को बेच कर खड़े किए हैं। कंपनी पे डेट बाहर से लोन लेने के बजाय प्रमोटर्स ने ही पैसा कंपनी में लगाया है, ये भी बात कंपनी ने हाईलाइट की है। कंपनी ने ये भी बताया है कि 550 मेगावाट का जो प्रोडक्शन है बचा हुआ, जो कि एक्सपांशन अभी पूरा हुआ नहीं है, वो जुलाई के मंथ में कंपनी का ये भी जो प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि हमें मेन तो कंपनी का जो टर्न अराउंड देखने को मिलेगा वो सेकेंड क्वार्टर से और थर्ड क्वार्टर से फुल फ्लेज कंपनी ऑपरेशन में आती हुई दिखेगी और ज़बरदस्त प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करते हुए कंपनी दिखेगी। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी के पास एक्सपोर्ट्स के भी काफ़ी ऑर्डर्स और इंक्वायरी आ रही है, तो जिसके कारण आने वाला फ्यूचर कंपनी का काफ़ी ब्राइट है। ये जो लॉस दिख रहा है 58 करोड़ का, उसके बारे में कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो प्लांट बंद था और मशीनरी, पुरानी मशीनरी बेच के नई मशीनरी बनाई लगाई गई, उसका असेट इम्पेयरमेंट का लॉस ही कंपनी को 97 करोड़ का बुक करना पड़ा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और उसी का नतीजा है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो लॉस है डायरेक्ट कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, तो असेट इम्पेयरमेंट कोई जो एडजस्टमेंट है जिसके कारण कंपनी लॉस में आई है, ऐसा भी कंपनी का मानना है, कहना है। पर कंपनी ये भी बता रही है कि सिर्फ 45 डेज में 25 करोड़ का रेवेन्यू है, तो जब फैक्ट्री पूरी चलेगी तो यही रेवेन्यू हमें 60-70 करोड़ का देखने को मिलेगा पूरे क्वार्टर का, और कंपनी प्रॉफिट में भी आने वाले दिनों में आते हुए दिखने को मिलेगी। तो कंपनी ने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है उनका क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट, इसलिए मुझे लगता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस रिज़ल्ट के बाद में कल तेज़ी भी देखने को मिले, या ये भी पॉसिबल है कि एक दिन में पैनिक में कुछ लोग निकले और उसके बाद में फिर से तेज़ी देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है कल। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने जो लॉस जो बुक किया है वो असेट इम्पेयरमेंट का लॉस है, ये भी कंपनी ने बताया है, ना कि एक्चुअल कंपनी को घाटा हुआ है प्रोडक्शन में, वो मार्केट देखता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी कल इसका रिएक्शन क्या होगा देखने को मिलेगा, बट कंपनी ने बता दिया है कि उनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है फुल फ्लेज, अभी तक तो पार्टी शुरू हुई नहीं है। जब पूरी पार्टी शुरू होगी तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और कंपनी के प्रमोटर्स ने ही 530 रुपीज़ से 1,210,000 जो है कन्वर्टेबल वारंट्स खरीदे हैं, 64 करोड़ रुपीज़ कंपनी में डाले हैं। तो प्रमोटर्स इतना ज़्यादा पैसा जब डालते हैं कंपनी में, मतलब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि कंपनी अच्छा मुनाफा करने वाली है, प्रॉफिट जनरेट करने वाली है। तो ये सब बातें देखते हुए लग रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, भले ही ऑन पेपर लॉस दिख रहा है, बट वो लॉस किस लिए आया है ये कंपनी ने बताया है। लेट्स होप कल से फिर से वेबसोल एनर्जी में हमें तेज़ी देखने को मिले।
एंड फ्रेंड्स, आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9923640000 इस नंबर पर। ये हमारी टीम का मेंबर का नंबर है, आप उसको उनमें लिख के भेज देना कि आप कौन सा ऐप अभी करंटली यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारा ऐप आपके ऐप से बेटर कैसे है और आपको हमारा ऐप में डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, उसके लिए भी वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।